मी या सिरियलमध्ये जिजाबाईचं काम करते आहे. मी औरंगजेबाची भूमिका करते. मी त्याच्यामध्ये बडी बेगमचं काम करते, आदिलशहाच्या बायकोचं. किसी का ड्रीम रोल होता है की शिवाजी महाराज का कॅरेक्टर कभी तो हम प्ले करे, तो शिवाजी महाराज का रोल करने को मिल रहा है और मैं पूरी लगन से कोशिश कर रहा हूँ. Star Pravah, the Marathi General Entertainment Channel, premiered the Magnum TV series Raja Shivchhatrapati in a unique presentation of television series in a movie theater. नहीं, मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि कभी ना कभी शिवाजी महाराज पे कोई ऐसी टेलीविजन सीरियल या कोई ऐसी फिल्म बने जो उनके सारे जीवन को समेट कर उसकी कहानी दर्शकों तक पहुँचाए. छत्रपति शिवाजी महाराज जीवना मालिका छोट्या पडद्यावरती संपूर्णरित्या आपल्याला पाहायला मिळते आहे. Raja Shivchhatrapati is an epic tale of the Maratha warrior Shivaji, filmed on a grand scale by renowned art director and producer Nitin Desai. The epic hopes to set new standards in Marathi entertainment. Raja Shivchhatrapati ye aisa vyaktitva hai ki jo Maharashtra mein nahi, pure Bharatvarsh mein nahi, to pure jag bhar mein prasiddh hai, aur jo unka vyaktimatva tha, jis tarah se unhone swarajya sthapan kiya tha, उस तरह से जो गोरिल्ला टेक्निक जो उन्होंने अपनाई थी, जो आज भी जर्मन और अमेरिका और अलग युद्ध नीति में अभी भी उसको स्टडी किया जाता है, तो ऐसे महान राजा की जो कथा है वो सब लोगों के सामने आनी चाहिए. इसलिए ये राजा शिवछत्रपति और स्पेशली मराठी में करने का एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये विषय इतना महान है, इतना 17वीं सदी से अभी 21वीं सदी तक उसको लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि 13 जून को 1630 से लेके हम लोग 1674 तक महाराष्ट्र के जो महान नायक माने जाते हैं और जो राजा शिवछत्रपति है उनके जन्म से लेके राज्याभिषेक तक ये पूरा उनका कार्यकाल दिखाया जाएगा, और उस कार्यकाल में महाराज के टाइम में कैसे स्वराज्य उन्होंने निर्माण किया, और स्वराज्य निर्माण करने की वजह से महाराष्ट्र को जो आज महाराष्ट्रियन लोगों को एक अपनी खासियत दिखाने का मौका मिलता है वो शिवाजी महाराज के ऊपर है. तो शिवाजी महाराज ये ऐसा व्यक्तित्व है जो हर एक महाराष्ट्रियन नहीं, हर एक भारतीय और गर्व के साथ अपना माथा ऊंचा करके चलता है. The Marathi television and film glitterati converged to celebrate the grand premiere of Raja Shivchhatrapati. Let's see what they have to say. ये प्रोजेक्ट मेरे अंदर जो कोई भी आदमी महाराज की जब इतिहास स्टडी करता है तो चौथी स्टैंडर्ड में मराठी में एक लेसन है, वहाँ से उसके दिमाग में महाराज के बारे में प्रेम और महाराज के बारे में आदर निर्माण होता है. तो वैसे चौथी स्टैंडर्ड से मेरे दिमाग में ये आदर था. जब मैं इस कला के माध्यम में आ गया, जब मैं इंडस्ट्री में आ गया, तब से मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ. पिछले 6 साल पे हर गढ़ पे जाके, हर किले पे जाके हमने इसको स्टडी किया है, और वो स्टडी करके आज मैं वो सपना पूरा होते हुए देख रहा हूँ कि आज ये मराठी सीरियल का एक अच्छा प्रीमियर यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसके वजह से लोगों को हम दिखाना चाहते हैं कि जो महाराज की महती है वही उसी लेवल पे हम लोग यहाँ पे रिक्रिएट कर रहे हैं, लोगों के सामने करते हैं. हमने जो भी इतिहासकारों से, जो भी अवेलेबल टेक्स्ट और विजुअल माध्यम था, जो भी चित्र अवेलेबल थे, उनको स्टडी करके हमने इसको जो हमें इतिहास समझा है, जो लोगों से हमने जाना है, वो लोगों के सामने एक दृश्य माध्यम से, एक एंटरटेनमेंट के सहायता से, ताकि घर घर में, हर जगह पे ये इतिहास लोगों के सामने हो, और छत्रपति शिवाजी महाराज कितने महान व्यक्तिमत्व था उतने महान बनाते हुए उतने लेवल पे हमने इसको करने की कोशिश की. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम अ टीवी सीरीज वॉज प्रीमियर्ड ऑन सच अ लार्ज स्केल. लेट्स फाइंड आउट हाउ एक्साइटेड आर दे. नितिन देसाईंनी इतक्या मेहनतीनी आणि प्रचंड ग्लॅमरस असं एक स्वप्न पाहिलेलं आहे, आणि ते स्वप्न पूर्ण करण्याचा आम्ही सगळ्यांनी आपापल्या परीने प्रयत्न केलेला आहे, आणि माझी खात्री आहे तुम्हाला हा शो नक्की आवडेल. आपल्या इतिहासावर प्रेम करायला आपण शिकलं पाहिजे, इट्स हाई टाईम. मला असं वाटतं एवढ्या मोठ्या स्केलवर इतकी मोठी सिरियल पहिल्यांदाच एका डिजिटल लँग्वेजमध्ये लॉन्च होते असं मला वाटतं. जब नितिनने हे सपना देखा 3 साल पहले, और उन्होंने जब मुझे बताया कि उनका एक सपना है कि वो इसको एक टेलीविजन सीरियल बनाए, तो आई थिंक इट वॉज अ ग्रेट आइडिया.
और मैं बहुत खुश हूँ आज के वो दिन आ गया है जब इसका हम लॉन्च देखने जा रहे हैं और किस तरह से ये दर्शकों तक पहुँचेगी ये देखने में मैं बहुत बहुत उत्सुक हूँ। बॉलीवुड हंगामा न्यूज़ नेटवर्क।